पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सबके लिए ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ पूरा सुनना होगा और ध्यान से सुनना होगा। वीडियो का टाइटल है कि पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह ये कहते सुना है कि अरे वो तो बड़ा दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का आदमी है, वो हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते, वो तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है, आखिर ये सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। दर्शकों, इसके लिए मैं आपको दो कारण समझाऊंगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। दर्शक बंधु, किसी गांव की बात है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वो आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वो उसी से अपने परिवार की गुजर चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी के उलाहने। एक दिन की बात, वो भगवान की प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह की व्याधियां भरी पड़ी हैं, हजार तरह की परेशानियां दे दी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूं। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपने उस सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया, वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटे मैं फिर कहता हूं, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है
और जरा भी दुख पड़ गया तो टूट कर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। दर्शक बंधुओं, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वो बड़ा जिद्दी था, उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दिए देता हूं। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार के थपेड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूं, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हां, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, बताइए क्या है तुम्हारी शर्तें। भगवान बोले, बेटी सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूं। भगवान बोले, बेटे जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे, तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। दर्शक बंधु, अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए जिंदगी बदल ली, एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। हुआ ये, जब एक दो घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। दर्शकों, वो सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे के लिए झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, वो वहां से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर रह गया। एक बार को तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उससे कह दूं कि उसका पैसों से भरा बटुआ तो यहीं छूटा जा रहा है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद हो आई कि भगवान ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वो भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूं, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, घर में मां बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, कहां से व्यवस्था करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं, इनसे तो ना एक समय का राशन ही आ पाएगा न मां की दवाई, कुछ कृपा कर दो भगवान जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। दर्शक बंधु, इतना कहकर वो आदमी वहां से जाने को हुआ, तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली, इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और मां का इलाज कराऊंगा। दर्शक बंधु, भगवान को धन्यवाद देकर वो वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे, यह बटुआ तो सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाए लिए जा रहा है। एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं,
बल्कि सेठ का है जो वो उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद हो आई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है, इसलिए वो चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो एक महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे, वो एक महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को पकड़वा लिया और बोला, साहब मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वो उस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उससे रोका नहीं गया, वो बोल ही पड़ा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चुरा ले गया है। मैं भगवान हूं और मैंने सब कुछ देखा है। दर्शक बंधुओं, अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए, उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वो बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। देखिए, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, वत्स, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार मां का इलाज होने से रोका है, ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत चोरी है, गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे, तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। कहने लगा, भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य के अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे वे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर
और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे पांच पांच सूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद के लिए आगे आए। वे तो इंतजार देख रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भुलाकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्ण को ही समर्पित हुई और उन्हें आवाज लगाई। तब भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचा ली। दूसरा कारण है, भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वे आपके अगले पिछले सारे कर्म को देखकर हिसाब किताब करते हैं, उसी के आधार पर अच्छा बुरा हो जाता है। भगवान को समर्पित होकर चलिए, आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।